आज हम करने जा रहे हैं अपना पहला उमरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी, दिस इज मीकरा कवल, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। सो आज जो है वो एक ऐसा दिन है जिसका हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में इंतजार होता है कि उसकी जिंदगी में ये दिन लाजमी आए। आज हम करने जा रहे हैं अपना पहला उमरा, मैं और अरीब इंशाल्लाह। और आज का दिन बहुत खूबसूरत है, मेरी जिंदगी का तो सबसे प्यारा दिन है। सारे टूर्स में से सबसे अच्छा जो टूर होगा वो बेसिकली ये आज का होगा। आज हमारा पहला उमरा होगा, हम खाना काबा की जियारत करेंगे, हम जो है वो सबके लिए दुआ मांगेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, बहुत से लोग मुझे देखते हैं, बहुत से लोग मुझे प्यार करते हैं, बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सब लोगों से एक दरख्वास्त करूंगी कि अगर जाने जाने में कभी मेरी कोई ऐसी बात जिनसे वो हर्ट हुए हो, कभी कोई ऐसी चीज जिनसे उनकी दिल आजारी हुई हो, मैं उसके लिए तहे दिल से माजरत ख्वाहूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझे माफ कर दें। और मतलब आप जब इस सफर पे जाते हो आप सबसे माफी मांग के जाते हो, अगर आप लोगों को मैंने किसी भी तरह से दिल आजारी की हो तो मुझे जरूर जरूर माफ कर दीजिएगा। मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हुई हुई हूँ, अल्लाह के घर को देखूंगी जिंदगी में पहली बार, जो सिर्फ पहले वीडियोस में देखा था, किताबों में पढ़ा था कि क्या समा होता है, आज उसको एक्सपीरियंस करूंगी इंशाल्लाह। तो भाई चलें। यस सलाम अलैकुम। अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया, इतना सुकून, खुदा की कसम मैंने इतने मुल्क फिर लिए, मुझे इतना सुकून किसी मुल्क में नहीं नजर आया। ये मैं आपको लग रहा होगा शायद सारे, मैं भी सुनता था, लोग मुझे कहते थे ना कि वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा, वहाँ जाएंगे ना, वहाँ पे एक अजीब सा सुकून है। मैं कहता था यार क्या मतलब, क्या चीज है, जो यहाँ पे आता है वही वो चीज समझ सकता है। अल्लाह आप सबको इतना काबिल करे कि आप सब आ सके, अल्लाह के घर आ सके, अल्लाह ने हमें इतना तौफीक दी, अल्लाह के हमने अपने घर बुलाया, तो इस टाइम बड़े इमोशनल हुए हैं दोनों, चीज है। और जेन्युइन यहाँ पे एक इस आबो हवा में एक अलग सुकून है। अभी निकलते हैं, हमारी गाड़ी इंतजार कर रही है। तो जी गाइस, इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे कल की वीडियो में काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि आपने अहराम क्यों नहीं पहना, आप पे जो है वो दम वाजिब हो गया है। तो भाई गाइस, हमें इस चीज का अंदाजा है, एंड आई नो आप लोग मेरे लिए बहुत कंसर्न है, हम दोनों जिस सफर पे निकले हैं आप लोग बहुत कंसर्न है, आप चाहते हैं कि हम हर चीज बहुत अच्छे से करें, तो आपके कॉमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें इस चीज का आइडिया था, आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह दम अदा कर दिया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना पहला उमरा करने जा रहे हैं। मैं यहाँ से जाऊंगी मस्जिद आयशा, जहाँ पे मैं अपने उमरे की नियत बांधूंगी, और अरीब जाएंगे मिकात के पॉइंट पे, जहाँ पे वो एहराम बांध के और नियत करेंगे अपने पहले उमरे की इंशाल्लाह, और फिर वो मुझे मस्जिद आयशा पे ज्वाइन करेंगे, और वहां से फिर हम हरम शरीफ आएंगे, मक्का फिर एंटर होंगे, और सारे जो उमरा के मनासिक हैं वो अदा करेंगे। चले जी, हम नीचे पहुंचे हैं हमारे होटल के बाहर, कुछ ये मंजर है, हमें पिक करने के लिए आ गए हैं, हम बैठ चुके हैं। आर यू रेडी? यस आई एम। बस अब अरीब जाएंगे मिकात के पॉइंट पे और फिर यहाँ पे मुझे ज्वाइन करेंगे। बहुत अलग फीलिंग है, मैं नहीं बता सकता, है ना। चलें जी, चलते हैं, नियत करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह ताला आपका ये उमरा भी कबूल करे, अभी तो निकलना है। हम दोनों ने जो है वो उमरा की नियत बांध ली है, और अब हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं मक्का और ज्यारत करेंगे खाना काबा की, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, दिल की धड़कन बहुत जो है ना वो इस वक्त मैं नहीं बता सकती है, अजीब सी फीलिंग्स हैं कि आप ऐसे सफ़र पे जा रहे हो कि बस आप जो आए हुए हैं वो समझ सकते हैं, जो नहीं आए अल्लाह पाक उनको आने की तौफीक अता फरमाए और उनके लिए रास्ते और सफ़र आसान करें। हम पहुँचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी गाइस, फाइनली हम लोग मक्का पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अब सीधा पहुँच रहे हैं हरम शरीफ, और हार्ट बीट इज़ टू फास्ट, बताना लफ्ज़ों में बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अल्लाह
سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ کس طرح کی فیلنگز ہیں جو کہتے ہیں خانہ کعبہ پہ پہلی نظر اٹھے اور جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے میں نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں باقی سب کے لیے مانگ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی اور قریب بھی دعا پڑھنے ہیں میں آپ کو ساری صورتحال ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں یار کیا خوبصورت یہ صرف پہلے پکچرز میں دیکھا تھا ابھی لائیو دیکھ رہی ہوں سامنے بہت بہت ماشاء اللہ خوبصورت ہے ہم الحمدللہ ہم نے کعبہ شریف کی زیارت کر لی ہے اب ہم اپنا پہلا تو آپ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اور وہ ہم بوسے سے اسٹارٹ کریں گے اور کیسی فیلنگز ہیں آپ کی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی الحمدللہ اللہ پاک کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اللہ پاک نے اس قابل سمجھا کے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہم چلتے ہیں اپنا عمرہ کرنے ساتھ دعا میں وہ کر کے پھر آتے ہیں ہم لوگوں کے جو ہیں وہ طواف الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ ہم لوگوں نے دو نفل ادا کیے ہیں اور اب جو ہے وہ نکلنے لگے ہیں صفا اور مروہ کے لیے قریب یہ کھڑے ہوئے ہیں اینڈ وہ دعا مانگ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نفل ادا کریں گے اور میں وہ دعا مانگ کے پھر صفا مروہ کے لیے اور اب یہاں پہ پینا ہے آب زمزم جی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں مسا کے لیے اور جا رہے ہیں صفا اور مروہ ساتھ چکر لگائیں گے چلیں جی گائز ہم لوگ صفا میں کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں اور اب ہم نے جانا ہے مروہ کی طرف اب صفا اور مروہ کا ہمارا یہ پہلا راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا ہے سات چکر ہیں بس یہ اب انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور پھر گرین لائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تب جو میل ہیں وہ بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں فیمیلز کے لیے جو ہے وہ بھاگنا ضروری نہیں ہوتا اگر وہ چاہیں تو وہ تیز دوڑ سکتی ہے لیکن کمپلسری نہیں ہوتا بغیر نور فی اللیل ہدن لن تنطفی ابد چلیں جی گائز ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ سات چکر صفا مروہ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ یہاں پہ دعا بھی مانگی ہے اور اب یہاں سے ہم ایگزٹ ہونے لگے ہیں اب جو ہے وہ بال کٹوانے کے لیے جا رہے ہیں علی قریب الگ جائیں گے میں الگ جاؤں گی اب دیکھتے ہیں یہاں پہ میرا خیال سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں سے کٹوانا ہے لوگ پوچھیں گے نا تو یہ کرنے کے بعد انشاءاللہ 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 ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا میں نے آپ سب لوگوں کے لیے خصوصی دل سے بہت زیادہ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے جتنے لوگ بے روزگار ان کو روزگار ملے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت عطا کرے جتنے لوگ جو ہیں ان کے بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نصیب کرے اللہ پاک ہر قسم کی بیماری سے اور ہر قسم کے رنج سے آپ لوگوں کو دور کرے آپ لوگوں کے والدین کو زندگی دے جن کے حیات ہیں میں نے سب کے والدین کے لیے اسپیشلی دعا کی ہے کہ ان کو زندگی صحت والی لمبی زندگی دے اور جن کے نہیں ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الگ ہی سکون ہے اس فضا میں مطلب اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اتنے سارے لوگ ہر بندہ اپنی اپنی زون میں گم ہے اپنے اپنے طریقے سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اپنی اپنی طرح سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہر بندہ جو ہے ادھر عبادت میں مصروف ہے تو سوچیں وہ فضا کتنی خوبصورت ہوگی جب ہر جگہ ہر کونے میں صرف اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اب بس ہم لوگ وہاں جاتے ہیں بال کٹوانے کے لیے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں سدنینا من عزائم الرجال
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला उमरा डन हो गया है और अरीब ने अपने हेड शेव करा लिए। वालेकुम अस्सलाम। अरीब लोगों को सही में कहते हैं रूप आया आपको, सीरियसली बहुत अच्छी लग रही है। इम्पोर्टेंट होती है कि आप कोई चीज अपनी कुर्बान करो। लड़कों का कहते हैं कि बालों से बड़ा प्यार होता है, तो मैंने आज अभी अरीब को यही कहा, मैंने कहा अरीब आपने अपने बालों की कुर्बानी दिया ना, तो अल्लाह ताला इस चीज का आपको बड़ा अजर देगा। और जिंदगी रही जितनी अल्लाह पाक तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उम्रे करेंगे, अल्लाह पाक हमें हज करने की भी तौफीक अता करे, आप सब लोगों को भी। और अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, बस हमारा माशाल्लाह पहला उम्रा कम्प्लीट हुआ और बहुत अच्छा रहा, बहुत पीसफुल। तो अभी बस चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और गाड़ी का अपना वेट कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे चलते हैं फिर कुछ खाते पीते हैं। चलें जी गाइस, हम लोग आ गए थे, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया है और आज का दिन हमारा, हमारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डे था, जिसमें हम लोगों ने जो है वो अपना उमरा परफॉर्म किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश की कि हम अपने तौर से आपको हर चीज़ दिखा सकें, जो यहाँ पे नहीं आ सके वो पाकिस्तान में बैठ के जो मुझे देख रहे हैं जितने भी मुसलमान बहन भाई, वो देख सके, ज्यारत कर सके। कल इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे ज्यारतों के लिए, हम लोगों ने मदीना भी जाना है, रोज़ा रसूल पे जाना है, वहाँ हाजिरी लगवाने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपनी दुआओं में, मैंने भी आप सब लोगों को दुआओं में खास खसूसी याद रखा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।